बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाना बताऊंगी। तो उसमें क्या क्या अशिया इस्तेमाल होती हैं, ये मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर छोटे छोटे हैं तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिए हैं। इन्हें मैंने बॉईल करके इनका छिलका उतार लिया इस तरह। ये देखें, ऐसे मैंने छिलका उतारा इस तरह से। इस तरह हम सब इसका छिलका उतार लेंगे। ऐसे मैंने सब छिलके उतारे और इन्हें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल कर लिया था, ज़्यादा नहीं करना। तो अब इसे हम पीसेंगे भी। तो ये मैंने लिया 2 टेबल स्पून मैंने केचप लिए, 2 टेबल स्पून इसमें से हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। लहसुन के जो हुए 3 थे मैंने इसे बारी बारी काट लिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने ओरिगेनो लिया है और ये कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून लिया और 1/2 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया। अब हम इसे टमाटरों को पीसते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह पकानी है। ये देखिए, मैंने टमाटर पीस लिए हैं। पहले मैंने टमाटर लिए थे, उन्हें पानी में बॉईल कर लिया था और फिर उस ठंडा होने पर उसके छिलके उतार लिए थे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हल्का ठंडे में उसके छिलके उतार लें और उसके बाद मैंने इसे पीस लिया इस तरह। तो अब इसको इसकी सॉस तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान में 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया। अब हम इसमें ये लहसुन डाल देंगे और इन्हें थोड़ा सा भूनेंगे, कलर भी देना इनको। टमाटर डाल देंगे, लहसुन हमारे हो गए और टमाटर अच्छे से डाल देंगे। और अब हम इसे ओरिगैनो और ये मिर्च और नमक डाल देंगे, इसे मिलाएंगे और इसे 5 मिनट हम पकाएंगे। बाकी ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो फिर हम इसमें केचप भी डाल देंगे। देखिए, हमारे पिज़्ज़ा सॉस पक रही है। 2 मिनट हो गए इसे पकते हुए, 5 मिनट में ये तैयार हो जाती है, थोड़ी गाढ़ी हो जाए। फिर हम इसमें केचप डालेंगे, हमारे पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगी। ये देखिए, हमारी सॉस तैयार हो गई। ये अपने 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर मैंने पानी में घोल के इसमें डाला है और इसे मिला दें। और अब ये हम अपनी केचप भी डाल देंगे इसमें और बस हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गई है। मिला दें, देखिए हमारी दाढ़ी और ठीक हो गई है, बस हमें ऐसे ही चाहिए। अब हम अपना फ्लेम बंद कर देंगे और हमारे पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। आप भी इस तरह घर में पिज़्ज़ा सॉस बनाएं और फिर पिज़्ज़ा तैयार करें। मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस बनाई, इंशाल्लाह मैं पिज़्ज़ा भी बनाऊंगी तो उसमें मैं इसे यूज़ करूंगी। आप भी ज़रूर से ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें। बेल को प्रेस इसलिए करते हैं ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए अगली वीडियो का, जल्द मिले। और दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।